तो ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम जो मेथड है उसको नॉन स्टैटिक बनाते हैं और उसको हम एक और दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक मेन क्लास है और मेन क्लास के अंदर जो है वो हमने अब जो है वो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक क्लास है आउटपुट के नाम से, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लिख के हमने एक मेथड को कॉल किया है। उसकी रीज़न ये है कि आउटपुट के नाम से हमने अब एक क्लास बना ली है और जो माई मेथड का फंक्शन था वो हमने उस क्लास का पार्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मेथड जो है वो सेम क्लास के अंदर होगा तभी कॉल हो सकता है। हमने क्या किया है कि एक और क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा आउटपुट, और इस आउटपुट क्लास के अंदर हमने माई मेथड को डिक्लेयर किया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ अगर आप देखें तो हमने अब इसको स्टैटिक नहीं बनाया, तो अगर स्टैटिक नहीं है तो उसको कॉल करने के लिए मुझे जो है इस माई आउटपुट आउटपुट क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये किया हुआ है कि हमने पहले आउटपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ये कहा कि अबाउट टू इनकाउंटर मैथड, एंड माई मैथड को अब कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लिखूँ और फिर मैथड को कॉल करूँ। और सेम यही मैसेज जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो सेम हमारे पास वही आउटपुट है जो हमने पहली वाली एग्जाम्पल में देखी। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ स्टैटिक मेथड था और वो सेम क्लास के अंदर था, यहाँ पे हमने उसे जो है वो एक डिफरेंट क्लास के अंदर प्लेस किया। अच्छा, अब जो है वो सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें हम जो है वो मेथड की रिटर्न वैल्यू को डिस्कस करेंगे एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मेथड्स को भी जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जी, तो एक एग्जांपल है जिसमें हम रिटर्न वैल्यू ऑफ मेथड की बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो रिटर्न और सेंड का कॉन्सेप्ट है, जो पासिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये अब हमारे पास एक्चुअली ये हो रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट से हमारे पास पहले से प्रोग्राम में एक ही पोर्शन था और उस पोर्शन को हम जो है वो मेन कहते, तो फॉर एग्जांपल ये मेन है, तो मैं इसको जो है वो मेन कह रहा हूँ। ये हमारे प्रोग्राम का जो मेन पोर्शन है ये वो होता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने अब एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम हमने रखा माई मेथड। ठीक है, फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, माई मेथड। जी, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो एक्चुअली प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो ये मेन है। ठीक है ना, तो अगर मेन ने कम्युनिकेट करना है इस मेथड के साथ, तो ये मेन जो है वो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। अब ऑब्वियस बात है कि जो मेन के लोकल वेरिएबल्स हैं वो उसका स्कोप जो है वो मेन के अंदर ही है। तो अगर मेन ने अपना कोई वेरिएबल जो है वो इस मेथड के साथ शेयर करना हो तो वो जो है वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू जो है वो सेंड किया जाता है। वो कैसे होगा, वो थ्रू आर्ग्यूमेंट होगा। यानी मैन ने फॉर एग्जांपल कोई नंबर शेयर करना है विद मेथड माय मेथड, तो मैन जो है वो आर्ग्यूमेंट को यूज़ करेगा। और अगर जो है वो माय मेथड फंक्शन में कोई अपनी वैल्यू जो है वो मैन प्रोग्राम के साथ शेयर करनी है तो वो क्या करेगा, वो उसको फिर रिटर्न करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज होता है रिटर्न का। ठीक हो गया, तो जब भी हम किसी फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम
जो भी कॉलर है वो अपनी को वैल्यू जो है वो शेयर करना चाह रहा है मेथड के साथ, ठीक। क्यों? क्योंकि मेथड जो है वो इस मैन तक जो है वो एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता, वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मेथड ने अपनी कोई वैल्यू जो है वो शेयर करनी हो मैन के साथ, तो उसके लिए हम रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू फ्रॉम मेथड, इट मीन्स कि मेथड ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो अपनी वैल्यू जो है वो सेंड करना चाह रहा है कॉलर को, तो हम रिटर्न का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है और इस मेन में हम ये चाह रहे हैं कि हम एक फंक्शन को कॉल करें स्केयर, और वो फंक्शन जब कॉल हो तो वो स्केयर फाइंड करके डिस्प्ले ना करे, बल्कि वो जो भी स्केयर की वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दे और हम उसको क्या कर लें, एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लें और देन मैं उस वेरिएबल को मेन में डिस्प्ले कर सकूँ, ठीक है। यानी पहले स्केयर फंक्शन जो है अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वो अपने पास उस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा था, अब हम ये चाह रहे हैं कि वो अपने पास डिस्प्ले ना करे बल्कि जो भी कॉलर है ये उसको सेंड कर दे। कॉलर से मुराद यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम है जिसने इसको कॉल किया हुआ है, तो हम उस वैल्यू को रिसीव करें और फिर हम उस वैल्यू को अपनी मर्जी से जो है वो डिस्प्ले करें, ठीक है। तो फिर हमें करना ये पड़ेगा कि वो जो भी मेथड है उसके रिटर्न टाइप हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे इंट रखी है, और जब भी हम यहाँ पे इंट इंट से मुराद ये है कि यहाँ से कोई इंटीजर टाइप की यानी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी और वो वैल्यू है 10 का स्केयर, तो 10 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया एक रिजल्ट आएगा, और जब भी हमने कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती तो रिटर्न का कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। अब जैसे ही मेथड कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और इससे होगा ये कि 10 का जो भी स्केयर बनेगा रिजल्ट एंड वैल्यू वो वैल्यू यहाँ से वापस सेंड होगी स्केयर की जगह पर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 100, और वो जो भी 100 है वो असाइनमेंट के थ्रू जो है वो इस रिजल्ट वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, ठीक हो। और अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो हम ये कह रहे हैं कि स्केयर ऑफ वैल्यू इज 10 इज 100, ठीक। तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं, और जब भी हम रिटर्न करेंगे तो याद रखना है रिटर्न टाइप हमें डिफाइन करनी होती है और रिटर्न का जो कीवर्ड है वो हमें लिखना होता है, और रिसीविंग टाइम पे जहाँ मेथड कॉल होता है उसे हम सेम उसी वेरिएबल की में यानी सेम डेटा टाइप के वेरिएबल में हम उसको क्या करते हैं सेव करते हैं। यानी यहाँ पर भी अगर इंट है, यहाँ पर अगर इंट है, तो फिर रिसीव करने के लिए हमें इंटीजर टाइप का जो है वो वेरिएबल चाहिए। यहाँ देखें हमने ये किया कि जैसे ही स्केयर फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आया, इसने क्या किया 10 का स्केयर फाइंड किया जो कि क्या बनता है 100, रिटर्न की कीवर्ड ने इसको वापस सेंड बैक कर दिया जहाँ पे ये कॉल हुआ था, कॉल ये यहाँ पे हो रहा है और वही 100 जो है वो किस में जाके सेव हो जाएगा रिजल्ट पर, ठीक हो गया। चलें जी, तो अब हम आर्ग्यूमेंट पासिंग कैसे होती है ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।